अलवर की रामगढ़ उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस जीत के लिए जी जान से मेहनत कर रही हैं। कांग्रेस ने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है, जिसमें जितेंद्र सिंह और धर्मेंद्र राठौड़ ने भी कई गांवों में दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान दोनों नेताओं से फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत की, देखिए जरा। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने अपने दिग्गज नेता उतारे हैं। दोनों ही दल मजबूती से फील्ड में अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ धर्मेंद्र राठौड़ और भंवर जितेंद्र सिंह हैं, जो अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आप सभाओं में देख रहे हैं, आप EWS में विसंगतियों को समझा रहे हैं, क्या वो कोई पॉलिटिकल मुद्दा है, क्या वो वोट पाने का मुद्दा है, क्या सही में कोई नुकसान सामान्य वर्ग के युवाओं को हो रहा है? निश्चित रूप से EWS इस चुनाव का, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो रिजर्वेशन 10% दिया, उसमें इतनी शर्तें जोड़ दी कि उस वर्ग को बेनिफिट मिला ही नहीं। पहला स्टेट है राजस्थान, जिसमें EWS का सरलीकरण किया राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। उससे बड़ी संख्या में ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, सिंधी, पंजाबी, कायस्थ, इन सबको आरक्षण का फायदा मिलने लगा और नौकरियां मिलने लगी। हम ये मांग कर रहे हैं कि इसी तरह से जैसे राजस्थान में गहलोत साहब ने किया, उसी तर्ज पे मोदी जी करें पूरे देश में, ताकि पूरे देश में जो आर्थिक रूप से कमजोर जो जातियां हैं, कमजोर जो वर्ग हैं, उनको बेनिफिट राजस्थान की तरह ही मिलने लगे। 10% जो नौकरियां हैं वो तो उस वर्ग को मिलेंगी मिलेंगी। नहीं, लेकिन वो जो बंदिशें थी उससे नहीं मिल रही थी। जमीन की शर्तें थी कि 5 एकड़ जमीन होगी तो नहीं मिलेगी, 200 वर्ग गज का गांव में प्लाट होगा तो ही नहीं मिलेगी, 100 वर्ग गज का प्लॉट होगा तो भी नहीं मिलेगी, 1000 स्क्वायर का फ्लैट होगा तो नहीं मिलेगी। ये राजस्थान पहला राज्य, उन जमीन संबंधी सारी शर्तें हटा दी और उससे फिर नौकरियां मिलने लगी। सामान्य वर्ग को माना जाता है कि भाजपा के साथ रहता है, आपको लगता है इन सब बातों से आप कितना कुछ मोड़ पाएंगे? हाँ नहीं, ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है सामान्य वर्ग के लिए, और मैं समझता हूँ कि इससे आप देखोगे परिणाम बदलेंगे। भंवर जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आप ERCP को लेकर कह रहे हैं कि ERCP भाजपा लाई नहीं, उधर भाजपा ERCP पर वोट मांग रही है कि हम ERCP पे MOU हो गया है, जल्दी आपके यहाँ पानी आएगा, किसको जनता मान ले? देखिए, पिछले 5 साल तो भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री, यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, उस ERCP पर कितनी राजनीति करी उनने, कितनी बार वो घोषणा कर गए, लेकिन ERCP का एक पत्थर भी नहीं रखने दिया। जब राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने बजट पास करके उसके पर काम शुरू कराने की कोशिश करी, तो भारत सरकार कहती है कि आप ये शुरू नहीं करा सकते काम, और आज उसके ऊपर MOU की बात चल रही है। देखो, MOU से किसी का प्यास नहीं बुझ रही है, पानी चाहिए जनता को, पानी लेके आइए, वोट जरूर मिलेंगे आपको। वो कह रहे हैं समय लगता है, तो पिछले 5 साल का तो समय उनने बिगाड़ा, उन्हें नहीं होने दिया, और आज कहते हैं समय मिला। ये जनता सब समझती है। और बात है, आप सब लोग कह रहे हैं कि सरकार को झटका लगना चाहिए, सरकार तो नहीं बदलेगी लेकिन झटका दें ताकि योजनाएं ठीक से चलें, ताकि हमारी सुनवाई हो। उधर भाजपा कहती है कि भाजपा का एक विधायक और बन जाएगा तो भाजपा और मजबूत होगी, और आपके इलाके में भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा तो काम ज़्यादा आसानी से ज़्यादा विकास होगा। देखिए, अगर भाजपा मजबूत आज इनकी सरकार बनी हुई है, इनको काम कराना होता तो ये पिछले 1 साल से तो ये सरकार में है ही ना, 11 महीने से क्यों नहीं काम करवाया? आज बिजली क्यों नहीं आ रही है? 3 फेज की बिजली क्यों नहीं आ रही है? आज पानी क्यों नहीं आया? ये रोड देखिए आप जिस पर अभी आए हैं, ये रोड क्यों नहीं बना? जो हमारे रोड सैंक्शन थे उसके ऊपर जिस पर वर्क ऑर्डर दे दिए, वो काम क्यों नहीं हुआ है? अगर इनको काम करवाना ही था तो ये करवाते, और ये उल्टा दूसरी तरफ उलाना दे रहे हैं। रामगढ़ के चुनाव को लोग ये कहने लग गए कि जितेंद्र वर्सेस भूपेंद्र हो गया चुनाव। देखिए, जितेंद्र और भूपेंद्र जी और ये सब इस तरह का कोई चुनाव का नहीं होता है, ये समय ऐसा होता है जिसमें जनता हिसाब लेती है, पूछती है कि किसने कितना काम करा है, आज 11 महीने के अंदर सरकार ने क्या काम करा है, उनको अपना खाता भाई दिखाना पड़ेगा जनता को। हम दिखाने के लिए तैयार हैं हमारा खाता भाई कि कितने यहाँ कॉलेज खुले हैं, कितने अस्पताल खुले हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस यहाँ खुले हैं, कितने हाईवेज बने हैं, कितनी पंचायत समिति खुली हैं, कितने नगर पालिकाएँ खुली हैं, हम उसका हिसाब देने के लिए तैयार हैं। अब समय आ गया, उनको हिसाब देना पड़ेगा। धर्मेंद्र राठौड़ EWS की विसंगति बता रहे हैं, तो जितेंद्र सिंह विकास की बात, योजनाओं की बात कर रहे हैं कि भाजपा बताए कि पिछले 1 साल में कितना काम किया, ताकि उसके बाद ही लोगों से वो वोट मांग सके। कैमरामैन साहिल के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर।